हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में, 238 अल्लाह ताला फरमाते कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता कौनितीन, कि अपने डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में, और अजीम कुरान। सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाम में आपको रुकू करना जरूरी है, और रुकू लफ्ज कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है, और सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को जमीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है कुरान मजीद, 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में या मरियम मुकनितिल रब्बी की वजदुदी वरकई मा या रकीन के ए मरियम, आप अल्लाह की इबादत करो और सजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो, रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फला पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया है रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतीउल्लाह वातुर रसूल, अल्लाह की इताअत करो अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुक्म करते हैं हमारे लिए फर्ज है कि उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और यह हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह सुबहाना व ताला ने जिन और इंसान को
इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुभाना व ताला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है